छात्रों, जैसा कि आपको पता ही है, आपकी बाल राम कथा पुस्तक में पाठ एक अवधपुरी में राम, पाठ दो जंगल और जनकपुर, पाठ तीन दो वरदान पाठ आपको पढ़ा दिए गए हैं। आज हम इन पाठों के प्रश्नोत्तर यहाँ पर देखेंगे, इन पाठों के प्रश्नोत्तर के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका पाठ नंबर एक का, अपनी पूरक पाठ्य पुस्तक का नाम लिखिए। अपनी पूरक पाठ्य पुस्तक का नाम लिखिए, तो पाठ्य पुस्तक कौन सी, मतलब जो आपकी ये पाठ्य पुस्तक आप पढ़ रहे हो, तो इस पाठ्य पुस्तक का नाम क्या है, बाल राम कथा। क्या है, बाल राम कथा, अपनी इस पुस्तक का नाम लिखना है, इस वाले का, ना कि आपको व्याकरण या बसंत का। तो आपको जिस पुस्तक में ये पर्सन है उन्हीं का नाम लिखना है, तो बाल राम कथा आपकी पुस्तक का नाम है। फिर है प्रश्न नंबर दो पे आएंगे हम, इस पुस्तक में किसकी कथा कही गई है, कि जो ये पुस्तक है इसमें किसकी कथा कही गई है, कि जो पुस्तक है इसमें किसकी कहानी कही गई है। अब देखो, पुस्तक का नाम है बाल राम कथा, बाल राम कथा है ना, तो अब इसमें किसकी कहानी कही गई है, राम, बाल मतलब छोटा, राम मतलब राम की, कथा मतलब कहानी, तो छोटा करके राम की कहानी कही गई है, तो इसका आंसर है श्री राम की। क्या है, श्री राम की। फिर है, सरयू नदी के किनारे कौन सा सुंदर नगर था। अब ये प्रश्न भी आपको बताए कि सरयू नदी के किनारे अयोध्या था, अयोध्या नगर था, और अयोध्या किसकी राजधानी थी, कौशल राज्य की। तो आपको इस तरह से प्रश्न आपको निकालने हैं कि सरयू नदी के किनारे कौन सा सुंदर नगर था, सरयू नदी के किनारे अयोध्या था, ठीक है। फिर अब हम प्रश्न नंबर चार पे आएंगे, अयोध्या के राजा कौन थे, कि जो अयोध्या है उसके राजा, उस पर किसका राज्य था, वहाँ के राजा कौन थे। तो अयोध्या के राजा कौन थे, राजा दशरथ। कौन थे बच्चों, राजा दशरथ कौन थे, अयोध्या के राजा। फिर है प्रश्न नंबर पाँच, संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने कौन सा यज्ञ करवाया, कि संतान प्राप्ति के लिए, क्योंकि उन्हें सबसे बड़े दुख यह था ना कि उनके कोई संतान नहीं थी, तो उनके उन्होंने यह बात अपने मुनि वशिष्ठ को बताई, और मुनि वशिष्ठ ने उन्हें कौन सा यज्ञ करने की सलाह दी थी, पुत्रेष्टि यज्ञ। पुत्रेष्टि यज्ञ, पुत्र एष्टि मतलब पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ, पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने की सलाह उन्होंने दी थी। तो कौन सा यज्ञ करवाया उन्होंने, पुत्रेष्टि यज्ञ। तो अब प्रश्न नंबर छः पे आएंगे हम, यज्ञ की अग्नि से कौन प्रकट हुए, कि यज्ञ की जो अग्नि थी उससे कौन प्रकट हुए, कि जब पूरे मतलब यज्ञ समाप्त हो गया, सबने आहुति डाल दी, और अंतिम आहुति राजा दशरथ ने डाली, तो उनकी आहुति के बाद कौन से देवता उसमें से प्रकट हुए, तो कौन से देवता हुए, अग्निदेव। तो अग्निदेव उसमें से प्रकट हुए, और उन्होंने उन्हें पुत्र प्राप्ति का, कि आपकी मतलब आपकी जो इच्छा है वो जरूर पूरी होगी, का वरदान दिया, ठीक है। तो यज्ञ की अग्नि से कौन प्रकट हुए, अग्नि देव। विश्वामित्र ने राजा दशरथ से किसे मांगा। अब आपका क्वेश्चन आता है, ये आपका पाठ नंबर दो में से है वैसे, कि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से किसे मांगा, किसे मांगा उन्होंने, जब वो वहाँ पर आए तो उन्होंने किसे मांगा, उन्होंने मांगा किसको, राम को, कि आप मुझे राम को दे दो, क्योंकि मैं एक मतलब यज्ञ करा रहा हूँ, जिसको बार बार जो वो हैं वो मतलब नष्ट करके, जो मायावी राक्षस हैं वो मतलब उसे पूरा नहीं होने देते और उसको भंग करके चले जाते हैं, तो आप राम को दे दो, राम ही उनका उनको मतलब उनका संहार कर सकते हैं। तो किसको मांगा, राम को। फिर है, विश्वामित्र के आश्रम का क्या नाम था, कि जो विश्वामित्र का विश्वामित्र थे, जो पहले कहते हैं कि वो विश्वामित्र थे, वो पहले एक राजा थे, फिर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और वो जंगल में चले गए, और वहाँ पर उन्होंने एक सिद्धाश्रम, सिद्ध प्लस में आश्रम, तो बना सिद्धाश्रम, कि उन्होंने वहाँ पे सिद्धाश्रम मतलब सिद्धाश्रम बनाया, वहाँ पर ऋषि मुनि तपस्वी रहते थे, और वहीं पर वो क्या कर रहे थे, अपना यज्ञ कर रहे थे, और उसको अनुष्ठान को पूरा नहीं होने दे रहे थे, मायावी
राक्षस, तो इसलिए वह राम को लेने आए थे। तो आपके ये पर्सन नंबर एक के क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन है, 8 है। अब दोबारा से एक बार दोबारा पढ़ेंगे। अपनी पूरक पाठ्य पुस्तक का नाम लिखिए, सभी को पता चल गया होगा, बाल राम कथा। इस पुस्तक में किसकी कथा कही गई है? इस पुस्तक में श्री राम की कथा कही गई है। सरयू नदी के किनारे कौन सा सुंदर नगर था? सरयू नदी के किनारे अयोध्या सुंदर नगर था। अयोध्या के राजा कौन? अयोध्या के राजा दशरथ। संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने कौन सा यज्ञ कराया? संतान प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। कौन सा यज्ञ करवाया? पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। यज्ञ की अग्नि से कौन प्रकट हुए? यज्ञ की अग्नि से अग्निदेव प्रकट हुए। फिर अब विश्वामित्र ने राजा दशरथ से किसे मांगा? विश्वामित्र ने किसे मांगा? राम को। किसे मांगा बेटे? राम को। विश्वामित्र के आश्रम का क्या नाम था? विश्वामित्र के आश्रम का नाम क्या था? सिद्धाश्रम। क्या था? सिद्धाश्रम, सिद्धाश्रम। अब हम आगे वाला प्रश्न पढ़ेंगे इसके। राजा दशरथ किस वंश के थे? कि राजा दशरथ जो थे उनके वो किस कुल के थे, किस वंश के थे? तो उनके उसके कुल का क्या नाम था? रघुवंश। रघुवंश के थे। और बोलते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कि प्राण चले जाए लेकिन वो अपने वचन से कभी भी पीछे नहीं हटते थे, जो रघुवंश के लोग होते थे। ठीक है। अब पाठ नंबर, प्रश्न नंबर 10 है, रामायण की रचना किसने की? कि रामायण को किसने लिखा? तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके एग्जाम में आ जाता है कि रामायण को किसने लिखा। रामायण को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। महर्षि महान ऋषि, महर्षि को अगर आप वो करोगे संधि विशेष करोगे तो महान जमा ऋषि, तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा था। तो आपके ये पार्ट नंबर एक के कितने क्वेश्चन हो गए? कुल मिलाकर हो गए 10 क्वेश्चन। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ आएंगे। पार्ट नंबर 2 का नाम है जंगल और जनकपुर। क्या है? जंगल और जनकपुर। क्योंकि इसमें जब राम, वो विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को लेकर जा रहे हैं, उस घटना का वर्णन है, और जब वो जनकपुर के लिए जाते हैं उसका वर्णन है। तो ये है जंगल और जनकपुर। ठीक है। अब हम इसका पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। महर्षि विश्वामित्र ने राम व लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई? कि महर्षि विश्वामित्र ने जब वो जा रहे थे और जब रात हो गई तो उन्होंने कहा कि आज हम रात यहीं बिताएंगे। तो विश्वामित्र ने बोला कि मैं तुम्हें कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। यह विद्याएं क्या है? यह विद्या वह विद्या है, इसमें सोते समय भी कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकता। तो महर्षि विश्वामित्र ने उन्हें कौन सी विद्याएं सिखाई? बला व अति बला, बला व अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। प्रश्न नंबर 2 की तरफ हम पढ़ेंगे। जंगल पहुंचने पर राम व लक्ष्मण को कौन सी राक्षसी मिली? कि जब वो जंगल पहुंच रहे थे, जंगल पहुंचने पर जब वो वहां से निकल रहे थे, तो उन्हें मतलब वो विश्वामित्र ने बोला कि मतलब यहाँ पर किसी चीज़ का डर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक राक्षसी का डर है और उसका नाम क्या है? उसका नाम ताड़का है, जिसका तुम्हें वध करना है। तो उन्होंने बोला, तो उन्हें कौन सी राक्षसी मिली? तो उन्हें ताड़का मिली। अब ताड़का का वध किसने किया? ताड़का का वध किया राम ने। जब ताड़का ने राम व लक्ष्मण पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए, तो राम ने एक बाण उठाया और वो बाण उसके हृदय में जाकर लगा और ताड़का का काम तमाम हो गया, मतलब उसका वध हो गया, वह मर गई। फिर है इसके बाद, ताड़का वध से प्रसन्न होकर गुरु विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कितनी तरह के अस्त्र शस्त्र दिए? अब मैंने अस्त्र शस्त्र बताए थे आपको, एक तो हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले और एक तूर से फेंक कर चलाए जाने वाले। तो जब राम ने ताड़का का वध कर दिया तो विश्वामित्र जो थे वह बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने प्रसन्न होकर राम लक्ष्मण को 100 तरह के अस्त्र शस्त्र दिए। कितनी तरह के? 100 तरह के अस्त्र शस्त्र दिए और उनके महत्व के बारे में भी बताया। ठीक है। ताड़का वध से प्रसन्न होकर गुरु विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कितनी तरह के अस्त्र शस्त्र दिए?
सौ तरह के, कितनी तरह के बेटे, सौ तरह के अस्त्र शस्त्र दिए। अब प्रश्न नंबर पाँच पे आएंगे हम, अनुष्ठान के अंतिम दिन किसने आश्रम पर हमला किया। कि अनुष्ठान के अंतिम दिन जब यज्ञ हो रहा था और यज्ञ समाप्त होने वाला था, पाँच दिन तक तो किसी ने आक्रमण किया ही नहीं, लेकिन उसके बाद किसने हमला किया, तो उनमें क्या मारीच और सुबाहु नाम के राक्षस ने अपने पूरे दल बल के साथ मतलब वहाँ पर हमला किया। मारीच और सुबाहु ने, किसने, मारीच और सुबाहु ने। राजा जनक के पास अद्भुत वस्तु कौन सी थी, कि राजा जनक के पास अद्भुत वस्तु क्या थी। जब वो कहने लगे, राजा जनक कहने लगे कि मैं वहाँ जाता हूँ, राजा वो मतलब विश्वामित्र से वो राम लक्ष्मण कहने लगे, अब जिस काम के लिए आप हमें लेकर आए थे तो वह तो हमने कर दिया है, मतलब मारीच और सुबाहु को हमने मार दिया है, अब आगे का क्या काम है, आगे क्या करना है। तो उन्होंने बोला कि अब हम मिथिला जाएंगे, वहाँ पर विदेह राज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, उसको तुम भी देखना। तो राजा जनक के पास अद्भुत वस्तु क्या थी, शिव धनुष। क्या थी बेटे, शिव धनुष। सीता कौन थी, अब पूछा गया सीता कौन थी, सीता कौन थी, राजा जनक की पुत्री। राजा जनक जो थे उनकी दो बेटियाँ थी, कौन, सीता और उर्मिला। तो जो सीता कौन थी, राजा जनक की पुत्री। तो अब एक बार दोबारा से इन प्रश्नों को पढ़ लेंगे हम। महर्षि विश्वामित्र ने राम व लक्ष्मण को कौन सी विद्याएं सिखाई, बला व अति बला। जंगल पहुंचने पर राम लक्ष्मण को कौन सी राक्षसी मिली, ताड़का। ताड़का का वध किया किसने, श्री राम ने। ताड़का वध से प्रसन्न होकर गुरु विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को कितनी तरह के अस्त्र व शस्त्र दिए, सौ तरह के। अनुष्ठान के अंतिम दिन किसने आश्रम पर हमला किया, मारीच और सुबाहु ने। किसने किया बेटे, मारीच और सुबाहु ने। राजा जनक के पास अद्भुत वस्तु क्या थी, शिव धनुष। क्या थी, शिव धनुष। सीता कौन थी, राजा जनक की पुत्री। सीता कौन थी, राजा जनक की पुत्री। अब आगे पढ़ेंगे हम, सीता का विवाह किसके साथ हुआ, सीता का विवाह किसके साथ हुआ है, बड़ा मतलब अच्छा वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल आसान भी है। सीता का विवाह जब राम ने धनुष तोड़ दिया तो उनका विवाह सीता के साथ हो गया, किसके साथ हुआ, श्री राम के साथ। राजा जनक के छोटे भाई का क्या नाम था, कि जब उन्होंने बोला कि मेरी दो बेटियां हैं, दशरथ को बोला कि मेरी दो बेटियां हैं सीता और उर्मिला, और मेरा एक छोटा भाई है जिसका नाम कुशध्वज है, और उसकी भी दो बेटियां हैं मांडवी और श्रुतकीर्ति, तो आप उसका विवाह किसके साथ करा दीजिए, कुशध्वज के साथ। तो राजा जनक के छोटे भाई का क्या नाम था, कुशध्वज। राजा जनक ने क्या प्रतिज्ञा की थी, कि राजा जनक ने शिव धनुष को लेकर, सीता के विवाह को लेकर क्या प्रतिज्ञा की हुई थी। तो जो राजा जनक ने क्या प्रतिज्ञा की थी, उन्होंने की थी, जो इस शिव धनुष को उठाकर इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा मैं उसी के साथ सीता का विवाह कर दूंगा। कि जो इसको उठाकर क्या करेगा, इस पर प्रत्यंचा मतलब होती है डोरी, डोरी बांध देगा, मैं उसी के साथ क्या करूंगा, सीता का विवाह कर दूंगा। तो राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा करी थी सीता के विवाह के संबंध में, कि जो जो इस कार्य को करेगा, चाहे वह राजकुमार कोई भी है, मैं उसके साथ सीता का विवाह कर दूंगा। और यह काम किसने किया, राम ने, और इसलिए राम का विवाह सीता के साथ हो गया। फिर है उर्मिला किसकी पुत्री थी, अभी मैंने आपको बताया राजा जनक की दो बेटियाँ थी, कौन कौन सी, सीता और उर्मिला। तो उर्मिला किसकी पुत्री थी, राजा जनक की। तो आपके ये पाठ नंबर दो के प्रश्न उत्तर हो गए हैं। अब हम पाठ नंबर तीन की तरफ आगे पढ़ेंगे, दो वरदान। पाठ नंबर तीन का नाम क्या है, दो वरदान। दशरथ के मन में क्या इच्छा शेष थी, जब चारों राजकुमारों का विवाह हो गया, वो संतुष्ट हो गए, खुश हो गए, तो उनके मन में क्या इच्छा शेष रह गई थी, राम के राज्याभिषेक की, कि राम के राज तिलक की, कि वे राम को युवराज बना दें, कि राम के राज तिलक की इच्छा शेष थी। फिर है दशरथ को प्राणों से भी प्यारा कौन था, कि दशरथ को प्राणों से प्यारा कौन था, राम, क्योंकि राम उनकी सबसे बड़ी संतान थी, तो दशरथ को राम प्राणों से प्यारा कौन, राम।
राज्याभिषेक के समय भरत और शत्रुघ्न कहाँ थे कि जब राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही थी, जब यार जब राम के राज्याभिषेक की बात कही गई तो उस समय भरत और शत्रुघ्न कहाँ गए हुए थे? अपने नाना केकई राज के यहाँ। कहाँ गए हुए थे? अपने नाना केकई राज के यहाँ। राज्याभिषेक का समाचार सुनकर कौन जल भुन गई कि राज्याभिषेक का समाचार सुनकर कौन जल भुन गई? राज्याभिषेक का समाचार सुनकर मंथरा जल भुन गई, क्योंकि जब क्योंकि वो तो केकई की दासी थी तो वो तो चाहती थी कि केकई का बेटा राजा बने, लेकिन जब कौशल्या का राजा कौशल्या के बेटे का राज्याभिषेक होने वाला हो गया तो वह जल भुन गई। जनता ने अपना राजा किसे चुना था कि जनता ने अपना राजा जनता किसे चाहती थी कि वह उसे राजा बनाए? तो कौन थे वो? श्री राम। श्री राम को उन्होंने अपना राजा चुना था। मंथरा किसकी दासी थी कि जो मंथरा थी वह किसकी दासी थी? मंथरा केकई की दासी थी। केकई की दासी थी मंथरा। किसकी दासी थी? केकई की। वह हमेशा केकई का भला ही चाहती थी। श्री राम को श्री राम किसको अपनी माँ के समान मानते थे? श्री राम जो थे वह किसको अपनी माँ के समान मानते थे? श्री राम महारानी केकई को अपनी माँ के समान मानते थे कि उनकी माँ तो वैसे कौशल्या थी लेकिन वो केकई को भी माँ के समान आदर देते थे। तो आपका ये पार्ट नंबर 3 के ये हैं 7 क्वेश्चन, दोबारा से एक बार पढ़ेंगे। दशरथ के मन में क्या इच्छा शेष थी? राम के राज्याभिषेक की, राम के राज तिलक की। दशरथ को प्राणों से प्यारा कौन? राम। राज्याभिषेक के समय भरत और शत्रुघ्न कहाँ थे? अपने नाना केकई राज के यहाँ, कि वो अपने नाना केकई राज के यहाँ गए हुए थे। राज्याभिषेक का समाचार सुनकर कौन जल भुन गई? तो राज्याभिषेक का समाचार सुनकर कौन जल भुन गई? मंथरा। जनता ने अपना राजा किसे चुना था? जनता ने अपना राजा किसे चुना था? राम को। मंथरा किसकी दासी थी? केकई की। श्री राम किसको अपनी माँ के समान मानते थे? महारानी केकई को वो अपनी माँ के समान मानते थे। अब इसके आगे पढ़ते हैं हम। फिर है महाराज दशरथ ने केकई को कितने वरदान दिए थे? मैंने पहले बताया कितने वरदान दिए बेटे? 2 वरदान दिए थे केकई को, 2 वरदान दिए थे और केकई ने वह 2 वरदान मांग लिए थे, जिसमें पहले वरदान से उसने क्या मांगा? भरत का राज्याभिषेक कि भरत को राजा बनाया जाए, और दूसरे वरदान से राम को 14 वर्ष का वनवास के राम को 14 साल के लिए वन में भेज दो। मंथरा ने केकई से श्री राम के लिए कितने वर्ष का वनवास मांगने के लिए कहा कि कितने वर्ष का वनवास मांगने के लिए कहा? 14 वर्ष का। कितने वर्ष का? 14 वर्ष का वनवास मांगने के लिए कहा। राजा दशरथ को कौन सी रानी सबसे ज़्यादा प्यारी थी कि वह कौन सी रानी को? उनकी 3 रानियाँ थी, कौन कौन सी? कौशल्या, सुमित्रा और केकई। लेकिन वह सबसे ज़्यादा कौन सी रानी को प्रिय मानते थे? वह थी केकई। तो वह केकई को सबसे ज़्यादा प्रिय मानते थे। कौन सी रानी को सबसे ज़्यादा प्रिय मानते थे? केकई को। तो महाराज दशरथ को कितने वरदान दिए? 2 वरदान। मंथरा ने केकई से श्री राम के लिए कितने वर्ष का वनवास मांगा? 14 वर्ष का। राजा दशरथ को कौन सी रानी सबसे ज़्यादा प्यारी थी? केकई। तो आपके बेटे जो आपके ये मैंने जो आपके प्रश्न हैं वो पूरे करा दिए हैं पार्ट नंबर 1, 2, 3 के, ठीक है? अब आप इनको अपनी नोटबुक में कर लेना।